हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू जो कि जनरल एग्रीकल्चर पे है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ओरिजिन जो कॉटन का ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, उसके बारे में पूछा गया है। तो उत्पत्ति स्थान कौन सा है, इंडिया यानी कि भारत से ही कॉटन की जो क्या है उत्पत्ति हुई, यानी कि कॉटन के जो सबसे पहले अवशेष मिले वो कहाँ पे मिले, इंडिया में ही मिले हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि कॉटन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से परिवार का है, तो मालवेसी फैमिली का है। ठीक है, और सभी सीरियल्स क्या है, ग्रेमिनी की है, और ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या है, पोएसी, और जितनी भी पल्सेस हैं वो लेग्यूमिनेसी की हैं लगभग पल्सेस। ठीक है, और जो उसका लेग्यूमिनेसी का सेकंड नेम क्या है, फेबेसी। ठीक है, उसके बाद में बात करती हैं कि कॉटन का जो एक सीड है उसके बाहर जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, सीड के बाहर वो फाइबर की संख्या कितनी होती है, तो 60,000 से 80,000 फाइबर पर सीड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, जो टोबैको का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में 1947 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है फूड ग्रेन में से, तो पल्सेज यानी कि दालों को माना जाता है, जितनी भी दाल है कौन कौन सी, एग्जांपल के लिए ग्राम हुआ, पिजन पी हुई, मूंग बीन, मोठ बीन, ये सभी क्या है, पल्सेज भी है। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि पल्सेज का रिसर्च जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर है विच पल्सेस क्रॉप डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर, यानी कि कौन सी ऐसी पल्सेस क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन को एटमोसफियर से फिक्स नहीं करती, तो कौन सी है, राजमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एक राजमा ही ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती और पल्सेस भी है, बिकॉज सभी पल्सेज जो है ना वो क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है एटमोसफियर से, लेकिन राजमा नहीं करती, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कि जो ग्राम है, जो चिकपी है, उसके तने उसकी जो लीव के अंदर जो श्योर टेस्ट पाया जाता है, ठीक है, खट्टापन जो पाया जाता है पत्तियों के अंदर, वो किसके कारण होता है, तो वो मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, फिर है ओरिजिन ऑफ अरहर इज फ्रॉम, तो अरहर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, द राइट आंसर है अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद में है क्वीन ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स की क्वीन या फिर रानी किसे कहा जाता है, तो मेज को कहा जाता है। ठीक है, और फिर है द मेज प्रोटीन इज कॉल्ड, तो क्या बोलती है, जीन बोला जाता है मेन जो मेज का जो प्रोटीन है उसे। और फिर बात करें कि जो मेल इन्फ्लोरोसेंस है, पुष्पकर्म है जो मेल, उसे क्या बोलते हैं, वो भी मेज के अंदर जो मेज का जो मेल इन्फ्लोरोसेंस है उसे क्या बोलती है, टेसल, और फीमेल को क्या बोलती है, सिल्क। ठीक है, और मेल पार्ट जब बनता है मेज के अंदर तो इस प्रोसेस को क्या बोलती है, टेसलिंग, और फीमेल पार्ट जब बनता है उसे क्या बोलती है, सिल्किंग। ठीक है, तो ये क्या है, मेज के अंदर वाटर एप्लीकेशन की क्रिटिकल स्टेज भी है। ठीक है, यानी कि इन स्टेज पे वाटर देना मेज को नेसेसरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये बात करें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस के फादर कौन है, तो योन लॉन्ग पिंग जो है वो क्या है, इसके फादर है। ठीक है, फिर बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, वर्ल्ड इज फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी फॉर स्लाइन या फिर अल्कलाइन सोइल, तो कौन सी स्लाइन या अल्कलाइन सोइल के लिए जो राइस की वेराइटी है, जो फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी है वो कौन सी है, लूनीश्री। ठीक है, देन 16 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम फील्ड ऑफ पैडी, पैडी के फील्ड से कौन सी गैस है जो रिलीज होती है, मैथेन है, CH4, और फिर है फर्स्ट सुपर फाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड जो है वो कौन सा है, पूसा RH10। ठीक है, फिर है पुंजेंसी ऑफ मस्टर्ड इज डन टू, तो आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है, पुंजेंसी होती है। ठीक है, जो मस्टर्ड में होती है तीखापन। उसके बाद में यह नेशनल सीड कॉरपोरेशन वॉज इंस्टाब्लिश्ड इन मार्च, तो कब किया गया, 1963 में NSC को इंस्टाब्लिश्ड किया गया मार्च 1963 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है सीड एक्ट जो है वो कब पास हुआ, तो 1966 में। ठीक है, 29 दिसंबर 1966। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। एक दो दिन में जैसे ही मैं पूरी तरह से हेल्थी हो जाऊँगी तो आपको 2 या 3 क्लासेस एक दिन में प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे कि आपके जितने दिन ख़राब हुए उन सभी को मैं रिकवर कर सकूँ और जल्दी से जल्दी सिलेबस करवा सकूँ।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।